एनीवन थर्ड यूनिट स्टार्ट है हमारा अभी। तो वहां पे हमने देखा था इनहेरिटेंस, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द एक्सेस स्पेसिफायर्स, दैट इज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। देन वी लिस्टेड द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। सो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड फर्स्ट इनहेरिटेंस टाइप, दैट इज वन सिंगल इनहेरिटेंस। And what we studied in that? What is single inheritance, anyone? सिंगल इनहेरिटेंस मीन्स अ क्लास कैन एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ ओनली वन क्लास। Okay, good. So single inheritance means the accessing of properties from one class to another class, and the restriction is we can access the properties of only one class into the another class. Means here we have only two class, for example A and B class, so we can access the properties of class A to class B, that is super class to sub class. Or again, I already told you that there are different names of super class and sub class, that is parent class, child class, base class, derived class. So in single inheritance there is only one base class and only one derived class is present. So in last lecture we have studied about the single inheritance. Now we are moving to multi-level inheritance. Multi-level inheritance. Okay. So what is multi-level inheritance? Anyone? Anyone know about this multi-level inheritance? Go with the word multi and level. Means multiple levels. How can we draw this diagram for a pictorial diagram or flow diagram for multi-level as like single inheritance, one base class, then next one is derived class. This is single inheritance. Again, we can derive a third one class. Again, we can derive fourth one class, and so on. So we can derive a multiple classes from one class to another class to next one, then next one to next one. But what we achieve here, a level of classes. First level, second level, third level, and fourth level. So here we achieve a level of classes, means यहाँ पे क्या होता है आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और सो ऑन। जितने भी क्लासेस होंगे आपके एक बार एक लेवल में होंगे, मींस एक के नीचे एक। अगर एक बेस क्लास है हमारे पास, सो इसके प्रॉपर्टीज हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, इसके डिराइव्ड क्लास के अंदर। देन इसी को हम फिर से कन्वर्ट करेंगे एज अ बेस क्लास ऑफ सी, तो ये हो गया उसका डिराइव्ड क्लास। देन इसी को कन्वर्ट करेंगे हम एज अ बेस क्लास ऑफ डी, देन ये हो गया आपका एट द लास्ट डिराइव क्लास। इस तरीके से आपको क्या करना है, मल्टी लेवल मीन्स एक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से लेवल्स ऑफ क्लासेस हमें डिजाइन करना है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक बेस क्लास है, उसके प्रॉपर्टीज हम बी क्लास में एक्सेस कर रहे हैं। देन बी क्लास के प्रॉपर्टीज वी कैन एक्सेस इन सी क्लास, सी क्लास के प्रॉपर्टीज वी कैन एक्सेस इन डी क्लास। So in B we can access the properties of only A class. In B we can access the properties of only A class. In C we can access the properties from A class and B class also. Because B class के अंदर already आप A class के properties access कर सकते हो। So वहां से आप A and B दोनों classes के properties जो है C class के अंदर access कर सकते हो। Then next one is डी क्लास। डी क्लास के अंदर आप ए बी एंड सी तीनों क्लास के प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। मीन्स वॉट इट मीन्स,
ये जो डिराइव क्लास है, इस डिराइव क्लास के लिए ए बी एंड सी ये तीनों क्या है, उसके बेस क्लासेस है। मींस इसका प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, इसके प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो। दैट मीन्स ए बी सी तीनों क्लासेस के प्रॉपर्टीज आप कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, उसके लास्ट वन क्लास में। सो इस तरीके से आपका हायरार्की, इसका हायरार्की बोलने से बेटर है कि लेवल्स आप मेंटेन कर सकते हो, एंड उसके साथ ही आप जो भी प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस कर सकते हो इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देन इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल। ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, व्हाट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहां पे आपको मल्टीपल क्लासेस है, मल्टीपल क्लासेस इन वन लेवल, आप लेवल के साथ उसे अरेंज करते हो। मींस एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे ऐसे मल्टीपल सो ऑन क्लासेस, जितने भी आपको चाहिए उतने क्लासेस आप इसमें यूज कर सकते हो। सिंगल इनहेरिटेंस में आप ओनली वन बेस क्लास एंड ओनली वन डिराइव क्लास होता है, यहाँ पे मल्टीपल बेस क्लासेस एंड मल्टीपल डिराइव क्लासेस हो सकता है, लेकिन ओनली इन लेवल, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आपका प्रॉपर्टी है मल्टी लेवल का। लेवल मीन्स एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, ऐसे आना चाहिए। इसी के साथ एक दूसरा आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है। दोनों में मोस्टली आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल में। तो इसमें भी क्या करना है हमें, मल्टीपल मीन्स मल्टीपल क्लासेस लेना है, वो भी बेस क्लासेस, मल्टीपल बेस क्लास एंड सिंगल डिराइव क्लास। यहाँ पे होता है मल्टीपल मीन्स मल्टीपल बेस क्लास एंड सिंगल डिराइव क्लास। यहाँ पे मल्टी लेवल मीन्स एक क्लास उसके नीचे एक क्लास, उसके नीचे एक क्लास, उसके नीचे एक क्लास। तो ये वर्ड के ऊपर आप ध्यान में रखना है, मल्टी लेवल मीन्स आपके ये लेवल्स होते हैं फॉर्मेशन, एंड मल्टीपल मीन्स आपके मल्टीपल बेस क्लासेस होंगे, एंड उससे एक सिंगल डिराइव क्लास बनाया जाएगा। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो ये हो गया आपका सिंपल पिक्टोरियल व्यू ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसी को हम एक सिंटैक्टिकल फॉर्मेट में लिखते हैं। सबसे पहले क्लास डिजाइन करने के लिए क्या यूज हुआ है, क्लास कीवर्ड, देन ए क्लास नाम दे देता हूं मैं, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, देन सेमीकोलन क्लास। व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिराइव क्लास, एनीवन, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिराइव क्लास? पूजा, सोनल, पीयूष, एनीवन, फास्ट, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिराइव क्लास? स्विच ऑन योर माइक एंड टेल मी द सिंटैक्स फॉर डिराइव क्लास। विनेश, एनीवन कैन टेल? सॉरी, एनीवन फास्ट, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर डिराइव क्लास? आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट लेक्चर। सर क्लास वी हैव टू क्लास बी सेमी क्लास कोलन मींस टू डिराइव क्लास कोलन कोलन देन वी नॉट हैव टू सेमी टेक कोलन पब्लिक देन एक्सेस हां स्पेसिफायर वी हैव टू एनी टेक पब्लिक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड गुड एंड पब्लिक बेस क्लास देन ए गुड या सो व्हाट इज द सिंटैक्स सिंटैक्स फॉर डिराइव क्लास इज क्लास कीवर्ड एंड डिराइव क्लास नेम कोलन पब्लिक मीन्स एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड यू कैन यूज एनी वन फ्रॉम दिस थ्री देन बेस क्लास नेम सो हियर बेस क्लास नेम इज ए डिराइव क्लास नेम इज बी दैट्स व्हाई आई रिटन एज रोट एज क्लास बी पब्लिक ए मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए इज एक्सेसिंग इन द क्लास बी देन द थर्ड वन क्लास इज क्लास सी कोलन पब्लिक बी हियर बेस क्लास फर्स्ट
for C, derived class C is B. Then opening brace, opening bracket, then third one is class D, public. Here I am accessing the base class as a public. So here C means this is called as multi-level inheritance. We can access the properties of A into B. We can access the properties of A and B into C. We can access the properties of A, B and C into D. So this is a multi-level inheritance. So the we will see one example for the multi-level inheritance. Everyone understand the syntax of multi-level inheritance. Okay, we will go through one example, simple example. We can access the properties demonstrate single inheritance wait a minute multi-level inheritance. Okay. Okay, so let's start the program. Hash include, is it visible? Iostream dot h hash include conio dot h, then the class here I am taking as a student, then protected variable. What is the use of protected variable? Am I audible? Now is it visible? Integer, roll number, then public, void get number integer void put number Is it visible to all? Yes, sir. Void student get number integer A, roll number is equal to A, then void student put number, then cout roll number is equal to what is here roll number. Then the next class is class test colon public
student, then protected variable again. What is the use of protected variable? Anyone can tell me? Float sub subject 1 comma subject 2. We are taking the marks of two subjects, public void get marks float. Here I am providing the complete body float x comma float y. Okay, provide the function body subject 1 is equal to x, subject 2 is equal to y, close. Then the next function is void put marks means we have to print the marks cout subject 1, and I am writing here in one line only subject 2. Okay, so we are printing the marks of subject 1 and subject 2. Then class close. Then we will go to the next class is result, accessing from public. Which one is next class is test, then opening bracket float total is there any error in this program? If you caught the error, ping me. Void display opening bracket total is equal to subject 1 plus subject 2, then call it as put number put marks then see out total. Am I audible? Am I audible or not? Void main. Hello, am I audible or not? Audible, sir. Okay. So, here is the program for multi-level inheritance.
what we have to do, we have to calculate the total marks of the students which have to we have to put roll number and access the total marks of that student. Okay, visible to everyone. So first of all, we will start with the header files, that is the hash include iostream.h. Then the next one is hash include conio.h. Hash include iostream.h is used for now. Is it okay? Screen is visible now. Clear? Prajwal? Okay. So, what is the use of iostream.h? That is for input and output accessing purpose. That is our cout and cin functions. Then the next one is conio.h, that is console input output dot h file, used for clear the screen and related to all console operations. Then here we use the multi-level inheritance. That's why we use three classes, total three classes, student, then test, then the result. These three classes we will use in this example. So first class is class name is student, and it contains the protected variable integer roll number, then the public functions, that is void get number, and with one parameter of type integer. Then the next one is void put number, and no parameters in the put number function. So here we use roll number as a variable that is of type protected, and two functions, get number and put number, of type public. What is the use of protected access specifier? Anyone please tell me first, what is the use of protected roll number? We yes, roll number we can access in class. Roll number we can access in class. Which class? Only in the base class or only in the derived class? Class. We can access in the class, but in which class? Or in base class or in derived class? Derived class. Okay, good. So what is the use of protected is, we can hide the variable or function from the external classes. External classes means those who are not inherited from this base class. Means agar aapke paas kuch external classes hai, for example main yahan pe leta hu ek class xyz jiska is student class se koi bhi relation nahi hai, inheritance nahi hai, accessing properties kuch bhi properties access nahi kar raha hai. So uske behalf mein hum kya kar sakte hai, इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि ये रोल नंबर उस एक्सवाइजेड क्लास में ना यूज हो या कोई एक्सेस ना कर पाए. ओनली इसके इनहेरिटेंस क्लास, जो भी इसका डिराइव्ड क्लास रहेगा, उसके अंदर आप अगर एक्सेस करना चाहते हो, सो वी कैन यूज द प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. मीन्स इट इज बेसिकली यूज फॉर द इनहेरिटेंस पर्पज. इट इज द अल्टरनेटिव फॉर प्राइवेट वेरिएबल्स, क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल्स का आप एक्सेस होते हैं ओनली विद इन द क्लास. Means it hides from all other external classes, also from derived classes. But what we have to do, we have to give permission to access this roll number to their derived class. That's why we will give this access specifier as a protected. Then public means open to all. We can access these two functions from anywhere in the program or outside the program also. सो गेट नंबर एंड पुट नंबर यहाँ पे मैंने सिर्फ डिक्लेयर करके रखा है. उसे हमें क्या करना है, अभी बॉडी प्रोवाइड करना है. बॉडी प्रोवाइड करते हो तो यहाँ पे क्या सिंटेक्स है हमारा, void return type, then student class name, then double colon get, इसको प्रिजर्वेशन कहा जाता है, उसे get number integer a.
सो गेट नंबर फंक्शन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बॉडी प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या करना है रोल नंबर, जो भी ए की वैल्यू आएगी हमें उसे रोल नंबर को असाइन करना है. देन व्हाट इज द यूज ऑफ पुट नंबर फंक्शन, वेयर वी विल प्रिंट द रोल नंबर ऑफ द गिवन स्टूडेंट. जो भी आपको इनपुट आएगा उस इनपुट के साथ हमें क्या करना है, रोल नंबर को प्रिंट करना है. देन द नेक्स्ट क्लास इज क्लास टेस्ट एंड इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम स्टूडेंट क्लास. स्टूडेंट क्लास से हमें क्या करना है, इसे इनहेरिट करना है टेस्ट क्लास को. मीन्स इंडेक्स डायरेक्टली क्या करना है, इसके जो भी प्रॉपर्टीज है हमें यहाँ पे एक्सेस करना है. सो हियर ऑल्सो टू वेरिएबल्स आर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड, सब वन सब टू. दो वेरिएबल्स लिया हमने प्रोटेक्टेड सब वन सब टू. दोन वेरिएबल्स घेतलेले आहेत आपण प्रोटेक्टेड सब वन अँड सब टू. दोन मार्क्स आपल्याला याच्यामध्ये घ्यायचे आहेत. ओके सो वी हॅव टू टेक टू सब्जेक्ट मार्क्स इनपुट फ्रॉम दी मेन फंक्शन. देन पब्लिक वाइड गेट मार्क्स फंक्शन, जिसे मैंने वहां पे ही डिक्लेयर कर दिया है. वहां पे दो वैल्यू लिया है मैंने एक्स एंड वाई ऑफ टाइप फ्लोट. सो एक्स एंड वाई में जो भी मार्क्स आएंगे वो सब्जेक्ट वन को असाइन हो गया एंड सब्जेक्ट टू को असाइन हो गया. एज अ सब्जेक्ट वन एज एक्स मार्क्स एंड सब्जेक्ट टू एज वाई मार्क्स. देन पुट मार्क्स एक फंक्शन है हमारे पास, वहां पे हमने क्या किया है पुट मार्क्स में सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो भी प्रिंट कर दिया है. मीन सब्जेक्ट वन के मार्क्स स्पेस सब्जेक्ट टू के मार्क्स, दोनों मार्क्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे. देन द नेक्स्ट क्लास इज क्लास रिजल्ट पब्लिक टेस्ट. क्लास रिजल्ट जो है आपका, तो क्लास रिजल्ट में क्या करना है हमें पब्लिक टेस्ट. टेस्ट क्लास से ये इनहेरिट हुआ है, मीन्स डिराइव्ड क्लास फ्रॉम टेस्ट क्लास यहाँ से इनहेरिट हुआ है. सो यहाँ पे हम किसके किसके प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट ऑल्सो एंड फ्रॉम टेस्ट क्लास ऑल्सो. सो दोनों क्लासेस के प्रॉपर्टीज वी कैन एक्सेस इन द रिजल्ट क्लास. देन फ्लोट टोटल, टोटल एक यहाँ पे वेरिएबल लिया है टोटल नाम का एंड फ्लोटिंग टाइप का, बट ये वेरिएबल का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है. एनीवन, व्हाट इज द एक्सेस स्पेसिफायर फॉर दिस टोटल वेरिएबल, एनीवन फास्ट? प्राइवेट. प्राइवेट बिकॉज इन सी प्लस प्लस डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट. सो फ्लोट टोटल, ये जो टोटल वेरिएबल है इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है प्राइवेट बाय डिफॉल्ट. आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप नहीं लिखते हो इट मीन्स दिस इज प्राइवेट वेरिएबल. एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइवेट वेरिएबल इज इट इज एक्सेसिबल ओनली इन द क्लास. मीन्स इस क्लास के अंदर ही आप इस टोटल को एक्सेस कर सकते हो. देन द पब्लिक फंक्शन इज वॉइड डिस्प्ले. डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले फंक्शन में क्या दिया आपने, कैलकुलेट किया टोटल इज इक्वल टू सब, सॉरी टोटल इज इक्वल टू सब वन प्लस सब टू. दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें क्या करना है यहाँ पे कैलकुलेट करना है. देन टू फंक्शंस यहाँ पे कॉल किए गए हैं, पुट नंबर एंड पुट मार्क्स. पुट नंबर एंड पुट मार्क्स हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किए थे. कहाँ पे पुट नंबर, कहाँ पे, यहाँ पे हमका है पुट नंबर एंड पुट मार्क्स. गेट मार्क्स ये है पुट मार्क आपका यहाँ पे. सो दोनों ऑलरेडी फंक्शन हमारे पास है, एक फंक्शन है स्टूडेंट के अंदर, एक फंक्शन है हमारा टेस्ट के अंदर. दोनों क्लास के दोनों फंक्शन यहाँ पे एक्सेस किए. फॉर व्हाट पर्पस, वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट रोल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट विच इज पास बाय मेन मेथड. जो भी मेन मेथड से उसको वैल्यू आएगी उसे प्रिंट करना है. मीन्स रोल नंबर की वैल्यू, रोल नंबर की वैल्यू एंड सब्जेक्ट्स की वैल्यू प्रिंट करना है. देन सी आउट टोटल इज इक्वल टू टोटल, जो भी टोटल आएगा वो उसे प्रिंट करना है. देन ये हो गए हमारे तीन क्लास, जिसमें हायरार्की कैसे है यहाँ पे. सबसे पहला है हमारा स्टूडेंट, देन उससे डिराइव्ड हुआ है टेस्ट क्लास, देन उससे डिराइव्ड हुआ है हमारा रिजल्ट क्लास. सो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के प्रॉपर्टीज हमने टेस्ट में एक्सेस किए, टेस्ट के एंड स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज हमने रिजल्ट के अंदर एक्सेस किया है. मींस अगर मुझे एक्सेस करना है तीनों के प्रॉपर्टीज तो मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा, एनीवन फर्स्ट? अगर मुझे तीनों के प्रॉपर्टीज एक्सेस करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट किसका बनाना पड़ेगा, रिजल्ट
result of class result. Good. So why result? क्योंकि हम हमारे पास ऐसा एक ही क्लास है जिसके अंदर हम बाकी दोनों या तीनों क्लास के प्रॉपर्टीज हम उसमें एक्सेस कर सकते हैं, वो है रिजल्ट. क्योंकि स्टूडेंट के जो भी प्रॉपर्टीज है हमने टेस्ट में एक्सेस कर लिया था, देन स्टूडेंट प्लस टेस्ट दोनों के प्रॉपर्टीज हमने रिजल्ट में एक्सेस किया है. एंड इनहेरिटेंस क्या कहता है कि आप इसके प्रॉपर्टीज यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. बट यहाँ पे जो ग्राफ है वो क्या है, आपका टॉप टू डाउन, मीन्स आपका जो भी टॉप क्लास रहेगा मीन्स बेस क्लास रहेगा उसके प्रॉपर्टीज आप डिराइव्ड में एक्सेस करोगे, उसके प्रॉपर्टीज आप उसके डिराइव्ड में एक्सेस करोगे. सो अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं इसके नीचे वाले जो भी क्लास रहेंगे उसके प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं कर पाऊंगा. उसके लिए मुझे क्या करना है, अगर टेस्ट का भी करता हूँ तो मैं स्टूडेंट के ही प्रॉपर्टीज एक्सेस कर पाऊंगा, रिजल्ट के नहीं. इसीलिए मैं क्या करूंगा, रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल थ्री क्लास वी कैन एक्सेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट क्लास. सो यहाँ पे मैंने मेन मेथड लिया है, मेन मेथड के अंदर रिजल्ट क्लास का आर वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, देन सी एल आर एस सी आर आर वन डॉट गेट नंबर. नाउ आर वन ऑब्जेक्ट किसका है, रिजल्ट क्लास का. रिजल्ट क्लास हमारे पास है उसका आर वन ऑब्जेक्ट है आर वन डॉट गेट नंबर. आर वन मीन्स रिजल्ट, रिजल्ट में गेट नंबर है क्या, देखो गेट नंबर फंक्शन नहीं है. बट रिजल्ट कहाँ से हमारा इनहेरिट हुआ है, टेस्ट क्लास से. हम जाएंगे टेस्ट क्लास के अंदर, टेस्ट क्लास के अंदर गेट नंबर है क्या, नहीं है. सो टेस्ट क्लास कहाँ से हमारा एक्सेस हुआ है, स्टूडेंट से. तो हम कहाँ पे जाएंगे, अगेन स्टूडेंट क्लास में, स्टूडेंट क्लास के अंदर गेट नंबर फंक्शन है क्या, यस स्टूडेंट के यहाँ पे गेट नंबर फंक्शन है विथ वन पैरामीटर एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू भी दिया है 10. सो ए के अंदर आ गई वैल्यू 10, देन वही असाइन हो गई रोल नंबर को, मीन्स रोल नंबर की वैल्यू अभी क्या हो गई है हमारी 10 वैल्यू. अगेन रिटर्न टू दी मेन फंक्शन, देन आर वन डॉट गेट मार्क्स. अभी अगेन कॉल करना है, आर वन किसका ऑब्जेक्ट है, रिजल्ट. सो रिजल्ट के अंदर हम आएंगे, चेक करेंगे आर वन यहाँ पे है, गेट मार्क्स फंक्शन नहीं है. तो आर वन हमारा जो भी रिजल्ट है कहाँ से एक्सेस हुआ था, टेस्ट से. टेस्ट में है क्या गेट मार्क्स, यस गॉट इट. सो यहाँ पे टू पैरामीटर्स दिए, मैंने यहाँ पे टू वैल्यूज दिया है 70 मार्क्स पॉइंट जीरो, 70.0 मार्क्स. सो यहाँ पे मैंने दो मार्क्स यहाँ पे असाइन किए थे, वो यहाँ पे आ गए सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू के लिए 70.0 मार्क्स सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू को एक्सेस हो गए. क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर से रिटर्न टू द मेन मेथड, देन ये हो गया आर वन, ये हो गया. अभी नेक्स्ट है आर वन डॉट डिस्प्ले, अगेन आर वन रिजल्ट का ऑब्जेक्ट है. डिस्प्ले फंक्शन देखो यहाँ पे मिल गया, इसके अंदर जाओ, इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट करना है टोटल सब वन प्लस सब टू. सब कहाँ पे हमारा, सब वन, सब वन 70.0, सब टू इज अगेन 70.0, दोनों का टोटल हो गया 140.0. सो यहाँ पे टोटल आ गया आपका 140.0. देन नेक्स्ट इज फंक्शन कॉलिंग ऑफ पुट नंबर, पुट नंबर को कॉल किया है. पुट नंबर कहाँ पे है हमारा, देखो पुट नंबर यहाँ पे है, मीन्स इसका बॉडी कहाँ पे हमारा, यहाँ पे. क्या स्टेटमेंट दिया है, सी आउट रोल नंबर इज इक्वल टू. सो मुझे कहीं पे भी आउटपुट लिखना पड़ेगा, अभी यहाँ पे मैं जगह बना देता हूँ आउटपुट लिखने के लिए. सो रोल नंबर इज इक्वल टू, रोल नंबर की वैल्यू क्या थी हमारी, 10. अगेन रिटर्न टू दी डिस्प्ले फंक्शन, देन पुट मार्क्स, पुट मार्क्स फंक्शन हमारा यहाँ पे है. क्या लिखा है वहां पे, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू के मार्क्स ओनली 70.0 एंड स्पेस 70.0, दोनों के प्रिंट हो गए. अगेन कम टू दी डिस्प्ले मेथड, देन सी आउट टोटल इज इक्वल टू, अगेन टोटल इज इक्वल टू, व्हाट इज द टोटल ऑफ मार्क्स, 140. सो दिस इज योर आउटपुट फॉर द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. ये आउटपुट आएगा आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आप जब यूज करोगे. एनीवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी, इट इज वेरी सिंपल प्रोग्राम फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. No one? No one has any doubt? Everyone understands this program?
give me a ping in chat box. Everyone understand? Come on, Pandey, can you please repeat? Okay, what you Siddhan Patel, yes. पवन आपको क्या नहीं समझ आया पूछो मैं बताता हूँ. लास्ट सेक्शन मीन्स मेन मेथड. ओके सो मेन मेथड मैं फिर से रिपीट करूंगा. तब तक अटेंडेंस मार्क करो आप. मैं अटेंडेंस लिंक मैंने आपके चैट बॉक्स में सेंड कर दिया है. हर एक ने न्यू रोल नंबर ही डालना है. कोई भी ओल्ड नंबर नहीं डालेगा. मुझे बाद में अगर रिक्वेस्ट करोगे तो भी मैं चेंज नहीं करूंगा. एवरी वन नो योर न्यू रोल नंबर. ओनली पुट योर न्यू रोल नंबर इन अटेंडेंस शीट. ओके पवन सो वी विल गो विद द मेन मेथड अगेन. सो यहाँ पे हमने तीन क्लास लिया है स्टूडेंट टेस्ट एंड रिजल्ट. ये तीनों क्लास हमारे इनहेरिटेंस में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने उसे डिजाइन करके रखा है. सो ये तीनों क्लास डिक्लेयर करने के बाद हमें जाना है मेन मेथड में जहाँ पे हमने क्या करना है मेन मेथड से ये पूरे क्लास को एक्सेस करना है. जो भी फंक्शनैलिटी है उसे सॉल्व करना है. सो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे ग्राफ निकाला था कि हमारा जो है स्टूडेंट पहला क्लास है उसके बाद में टेस्ट क्लास है उसके बाद में हमारा है रिजल्ट क्लास. सो स्टूडेंट क्लास टेस्ट क्लास के दोनों के प्रॉपर्टीज हम रिजल्ट क्लास में एक्सेस कर सकते हैं. इसीलिए मेन मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया है रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ताकि हम टेस्ट के भी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकेंगे एंड स्टूडेंट के भी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकेंगे. देन जो रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है R1 उससे हमने क्या किया है जो कुछ फंक्शंस कॉल किए जस्ट लाइक गेट नंबर विथ द पैरामीटर वैल्यू इज 10. सो गेट नंबर मेथड हमारा कहाँ पे स्टूडेंट क्लास के अंदर जिसे हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया था 10 तो ये 10 यहाँ पे आ गई. देन रोल नंबर मीन्स व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस गेट नंबर कॉलिंग वी हैव टू असाइन द वैल्यू टू रोल नंबर. ओके रोल नंबर वैल्यू को हमें क्या करना है एक वैल्यू असाइन करना है. इसलिए यहाँ से हमने गेट नंबर कॉल किया था बाय यूजिंग रिजल्ट क्लास ऑब्जेक्ट. और रिजल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट करके हम इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लिया है तभी हम एक्सेस कर सकते हैं. सेम लाइक दैट गेट मार्क्स जो मार्क्स हमने सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू को असाइन करना है वो मार्क्स देने के लिए हमने यहाँ पे गेट मार्क्स फंक्शन एक्सेस किया था विथ 70 एंड 70 मार्क्स. दोनों 70 70 मार्क्स के हमने वैल्यूज पास किए तो गेट मार्क्स यहाँ पे असाइन हो जाएगा सब्जेक्ट वन के लिए 70 एंड सब्जेक्ट टू के लिए 70. देन द नेक्स्ट वन इज R1.display. जो भी डिस्प्ले मेथड है वो है हमारी रिजल्ट के अंदर और वो क्या डिस्प्ले करता है सबसे पहले कैलकुलेट करेगा वो टोटल ऑफ सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू. कैलकुलेट करने के बाद हमें कॉल करना है पुट नंबर एंड पुट मार्क्स क्योंकि हमें क्या प्रिंट करना है रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करना है एंड मार्क्स सब्जेक्ट के मार्क्स की वैल्यू प्रिंट करना है. इसलिए वो दोनों को फंक्शंस को कॉल कर रहा है एंड उसके बाद टोटल को प्रिंट कर रहा है. ओके सो यहाँ पे अगर आप आउटपुट देखोगे तो पुट नंबर जैसे ही कॉल हो जाएगा पुट नंबर फंक्शन के अंदर हमारा स्टेटमेंट क्या है सी आउट रोल नंबर एंड रोल नंबर की वैल्यू कितनी है 10. देन पुट मार्क्स अगर देखोगे तो उसमें सी आउट सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वन स्पेस सब्जेक्ट टू दोनों के मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे. देन द थर्ड वन स्टेटमेंट इज टोटल इज इक्वल टू टोटल तो टोटल इज इक्वल टू टोटल की वैल्यू कितनी है 140 ये प्रिंट हो जाएगा. सो इस तरीके से आपको इनहेरिटेंस के प्रोग्राम सॉल्व करना है. नाउ डिड यू